जय हिंद। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, आज सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी का सामना कर रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। COVID-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। पीएम मोदी राहत पैकेज, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए, जो देश की GDP का लगभग 10% है, घोषित किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। हम 6 महाराष्ट्र बटालियन, कंपनी नंबर 1, RJNCC यूनिट घाटकोपर की तरफ से इस अभियान की कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त संचालित ऋणों की घोषणा की गई है। कुछ कल्याणकारी उपायों में शामिल है MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन, 3 महीने के लिए व्यवसायों और श्रमिकों के लिए EPF योगदान में कमी, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 नवंबर 2020 तक सभी आयकर रिटर्न की नियत तारीख का विस्तार, 45 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0।